यहाँ पे यात्री चढ़ रहे हैं, बाइक का स्टाइल देखो भाई। ये भाई हमारी 80 की प्लेट, जिसमें हमें दिए गए हैं 1, 2, 3 पराठे और ये दिया है एक अचार। क्या है भैया खाने में? ब्रेड कटलेट है, उपमा है, गरम गरम। रख 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 तारे। आपको लगे तब बताओ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। आज हम यात्रा करेंगे ट्रेन नंबर 12876 नीलांचल एक्सप्रेस में, जो कि आनंद विहार से पुरी के बीच में चलती है। तो हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है आनंद विहार से, 7:30 बजे हमारी ट्रेन चलेगी। और अभी टाइम देख रहे हो आप, मतलब कि 40 मिनट है चलने को। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज की नीलांचल एक्सप्रेस की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज स्कैन करवाने के लिए। और यार सुबह सुबह क्या होता है, उठने का मन ही नहीं करता है। मेरी आंखों में अभी थोड़ी थोड़ी नींद दिख रही होगी आपको। तो देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लग चुकी है भाई एकदम से यात्रियों की। बाकी यात्रा जो हमारी होने वाली है वो 2nd AC में होने वाली है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगेगी हमारी ट्रेन। और मैं जा रहा हूँ 1 नंबर पे। ये रास्ता जाता है 6 नंबर के तरफ नीचे नीचे से। बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जो कि बहुत बकवास खाना देते हैं, इसलिए मैं यहाँ से खाऊँगा ही नहीं। अब ट्रेन में देखते हैं पैंट्री से अगर कुछ मिल जाए अच्छा ताज़ा ताज़ा, और कुछ खाया भी नहीं है। तो चलो ट्रेन दिखाते हैं अभी आपको। आ गया मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और ये लगी हमारे पीछे नीलांचल एक्सप्रेस और इस तरफ लगी है हमारे प्रयागराज आनंद विहार हम सफर एक्सप्रेस। अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो उस ट्रेन में भी हम यात्रा करेंगे, जो कि देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। हम सफर के रैक तो आपको पता ही कितने प्यारे होते हैं। बाकी ये ट्रेन अभी अभी खुली है एंड यात्री यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कुछ यात्री यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं और टाइम देख रहे हो 35 मिनट के आसपास रह चुका है ट्रेन खोलने को। और ये जो डब्बा है ये खोल दिया गया है, लेकिन ये डब्बा अभी नहीं खोला है। अब देखते हैं हमारा जो 2nd AC का कोच है वो खोला है कि नहीं खोला है। ठीक है चलो चलते हैं 2nd AC कोच। यहाँ पे यात्री चढ़ रहे हैं, बाइक का स्टाइल देखो भाई गजब। दोस्तों ये हमारा 2nd AC, तो चलिए अंदर से देखते हैं। 41 नंबर सीट है हमारी, 41 नंबर। बाकी ये ट्रेन देखिए यार्ड में खड़ी होने जा रही है। चलो चलते हैं भाई अंदर। ये कुछ ऐसा इंटीरियर है हमारे 2nd AC का। तो 2nd AC में पता ही आपको भाई 2 सीट यहाँ पे होती है, 2 सीट यहाँ पे होती है, 4 सीट यहाँ होती है, 3rd AC में यहाँ पे 3 होती है बस यही है। ये हमारा सीट है, इसका बर्थ 41, साइड लोअर। आपका साइड अपर है जी। बाकी 2nd AC में मुझे ये काफ़ी सही लगता है, जिसका ये कोच मतलब बर्थ मिल जाए, एक टाइप का ये प्राइवेसी रहती है ना एक टाइप का। बट यहाँ पे कर्टन्स नहीं लगाए गए हैं साइड साइड पे। अभी हमारी ट्रेन चलने को लगभग 20 मिनट हैं, तो चलिए इंजन देख लेते हैं हमारी ट्रेन के साथ कौन सा लोकोमोटिव यूज किया जाएगा। बाकी सामने से देखिए जाती हूँ। तो दोस्तों ये लगा हमारी ट्रेन के साथ इंजन लोकोमोटिव, जो कि वैप 7 का है गाजियाबाद शहर का, जो कि हमारी नीलांचल एक्सप्रेस को पुल करेगा। ओवर प्राइस लगा रहे हैं क्या? आपको लगे तब बताओ। लिखा है इधर पनीर पेटी दिखाना। कुछ ना, कहाँ लिखा है पनीर पेटी? हाँ तो अपनी मर्जी से पनीर पेटी बेच रहे हो, भी सब पता है क्या लगा है कुछ बताओगे भाई? 15 की पेटी 20 में बेच रहे हैं। 20 का पेटी है, 20 भाई 15 बता रहे हैं यार भाई। तुम्हारे पास पनीर है ही नहीं, समझ में आया? कोई बात नहीं भैया, 10 कर दो यार इसका, यार इससे ज्यादा क्यों हम करेंगे, कम भी क्यों करें हम। बाकी ले लिया हमने कॉफी, जो की 150 ml है पूरी, और
ये हमें पड़ी है 20 रुपए की, और यहाँ पे पेटीज का क्या सीन है, 20 रुपए की पेटी है और 30 रुपए की बेची जा रही है। तो प्लीज ऊपर रेट देख ले, जितना ऊपर रेट होगा उतना ही पे करें। सामने से और हमारी लखनऊ मेल निकलती है, नहीं लखनऊ एसी सुपरफास्ट है, सॉरी लखनऊ मेल। सो टाइम देख सकते हो आप, 7:47 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार से। 30 पे निकलना था लेकिन 17 मिनट देरी से डिपार्ट करती हुई आनंद विहार से। बाकी टाइमिंग की बात करें नीलांचल एक्सप्रेस की, तो ये जो ट्रेन है ये वीक में 3 दिन चलती है, 7:30 पे आनंद विहार से चलती है। 1896 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन शाम को 6:15 की आपको पूरी जगन्नाथ पुरी धाम पहुंचाती है अपनी नीलांचल एक्सप्रेस। बाकी नीलांचल एक चोटी का नाम है जो कि असम से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है अपनी नीलांचल हिल, और इस ट्रेन का नाम नीलांचल क्यों रख दिया भाई, कुछ समझ नहीं आया, कुछ लॉजिक नहीं बना। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो इस ट्रेन का नाम नीलांचल क्यों रखा, क्योंकि नीलांचल जो चोटी है वो तो असम में है जहाँ पे माँ कामाख्या जी वास करती हैं उसी चोटी पे, तो कुछ समझ नहीं आई। बाकी देखिए आनंद विहार से निकलती हुई हमारी नीलांचल एक्सप्रेस, अब देखते हैं अपना टाइम सही रहती है, अपने टाइम से रहती है या लेट हो जाती है वो तो पता चले चल जाएगा। देखिए गोरखपुर आनंद विहार हम सफर तारे आगे बस मंजिल है पीछे हवाएं। देना की चाय कितने के, चाय का मजा लेते हुए। बाकी बेड रोल्स वगैरह हमें मिल चुके हैं, अभी ऊपर रखे हैं तो बिछा लेते हैं क्योंकि रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं अभी। रोहित है, रोहित 42 नंबर अतो ना, क्या है भैया खाने में? ब्रेड कटलेट है, उपमा है गरम गरम। उपमा ब्रेड कटलेट कितने का? 40 रुपए दे दो। बाकी अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने ये लिए ब्रेड कटलेट, जिसमें हमें दो ब्रेड मिले हैं, ये मिला टमाटो सॉप और ये मिला बटर। ये आ गए हमारे कटलेट। चाय, चाय, आप 41 भैया? यस।
ब्रेड कटलेट की बात करें तो सही है भाई, रेटिंग दूंगा इसको मैंने 10 में से 8, बढ़िया खाने में। क्या भैया दिखा ना, ये कितने का? 55 रुपये का। 55 रुपये। ये 20 रुपये का। ये दे दो। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया तो चलिए वॉशरूम पे नज़र मार लेते हैं कि वॉशरूम में साफ सफाई कैसी है, क्योंकि ट्रेन चले हुए भी अभी आई थिंक 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे भी आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे एक सीट मिलती है जो कि कोच अटेंडेंट के लिए है, और यहाँ पे डस्टबिन मिलता है जो कि अभी यूज़ में नहीं है, लॉक कर दिया गया है। नीचे फायर एक्सटेंशन मिलता है, वैसे भी आपको डस्टबिन मिलता है। वॉश वैसे देख सकते हो कि इस तरह से इतना क्लीन नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, देखिए चल रहा है। बाकी मिरर देख सकते हो, अच्छा खासा मिरर है एंड मेरा मुंह भी दिख रहा है। बाकी ये मिलता है आपको डस्टबिन, ये एडिशनल डस्टबिन रखा गया है यहाँ पे क्योंकि ये वाला चल नहीं रहा है। तो चलिए वॉशरूम के अंदर चलते हैं, कैसा है वॉशरूम। तो वॉशरूम के जैसे आप अंदर आते हो तो यहाँ पे स्मेल वगैरह नहीं है, ऊपर दिया गया आपको स्मोकिंग डिटेक्टर और यहाँ पे फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, और यहाँ पे पावर फ्लश बटन, और भाई ये आ गया अपना लिक्विड सोप, और ये वाटर टैप चल ही रहा होगा क्योंकि पानी नीचे गिरा हुआ है। सिंक देख सकते हो क्लीन है, और मिरर अंदर क्लीन है। अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग तो इसको मैं 10 में से 8, काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन बाहर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ठीक है भाई चलेगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अलीगढ़ जंक्शन पे। जो अपना अलीगढ़ है ये उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और अलीगढ़ हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट है जिसका स्टेशन कोड है ALJN। दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन पे हमारी ट्रेन 25 मिनट देरी पे पहुंची है, और 2 मिनट रुकेगी यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी रुकेगी। बाकी अलीगढ़ को कोल कॉयल के नाम से भी जाना जाता था 18th century से पहले, क्योंकि ये जो इंटायर मतलब डिस्ट्रिक्ट थी ये बदलती रहती थी समय के साथ। देखिए भाई जर्नल वाले भागते हुए। बाकी देखिए 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ से। अभी जो अपना अलीगढ़ है ये जाना जाता है लॉक सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो सालों का व्यापार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो अलीगढ़ के ताले हैं वो देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से। निकल गई हमारी ट्रेन अभी अलीगढ़ से, और ये जंक्शन दोस्तों इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी चंदौसी होते हुए मुरादाबाद को जाती है, और सीधी जाती है अपनी कानपुर वाली लाइन है, तो जिस रूट पर हमारी ट्रेन अभी जाएगी। बाकी एक से एक बढ़कर ट्रेनों का सामना, दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ से पहुंच हो हमारी बाकी अलीगढ़ टुंडला ये सब स्टेशनों पे भी आता हूँ, तो मैं जैम इन, ये बिस्किट होता है 10 रुपये का आता है, ये बीच में ऐसे स्ट्रॉबेरी जैसा फ्लेवर रहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं 4-5 पैकेट ले लेता हूँ, अभी बैग में रखी है मैंने लेके यहाँ से। आप ही जरूर ट्राई करना अगर आपको मीठा पसंद है।
दोस्तों दिल्ली से 150 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी नीलांचल एक्सप्रेस आ चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे, जो अपना हाथरस जंक्शन HRS इसका स्टेशन कोड है। 2 मिनट का होल्टिंग टाइम है, लेकिन 24 मिनट लेट आई है हमारी नीलांचल एक्सप्रेस हाथरस जंक्शन पे। जो अपना हाथरस है, इसको हींग की मंडी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से 60 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज है हींग की, जो कि 70 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं हर साल। हो चुका है हॉन्क हमारी ट्रेन का हाथरस जंक्शन से, लगभग 2 मिनट का हॉल्ट के बाद। टाइम देख रहे हो, 9:56 हाथरस जंक्शन से निकल चुकी है हमारी ट्रेन। हाथरस जंक्शन पे 4 प्लेटफॉर्म्स थे, और दोस्तों ये जंक्शन इसलिए था क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी मथुरा को जाती है और एक जाती है अपनी बरेली को खासगंज होते हुए, लेकिन हमारी ट्रेन अभी सीधी कानपुर वाले रूट पर जाएगी। और जो अपना हाथरस है, ये नॉर्दर्न जोन में आता है, प्रयागराज डिवीज़न के स्टेट अपनी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भाई, इसको आज शाम हो जाएगी उत्तर प्रदेश निकलते निकलते। से निकल गई हमारी ट्रेन हाथरस में। आपको बंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बंदरों को देखकर आप जायज़ा लगा सकते हो कि ये थोड़ा जंगली इलाका है भाई हाथरस। आजकल तो बंदर शहरों में भी आ गए हैं भाई। क्या खाने में? वेज है, अंडा है, चिकन है, क्या लेंगे? कितने का वेज? वेज 150, अंडा भी 150, हाँ, चिकन 180। कितने बजे मिलेगा? 12 बजे तक। 12 बजे बिल मिल जाएगा ना भैया? मिल जाएगा। ठीक है, बिल भी ले आना साथ में और लिख लो, वेज लिख लो, ठीक है? बिल मिलेगा 80 रुपये का। हाँ, एक सब्जी आएगा। बिल कितने का मिलेगा? 80 रुपये, एक सब्जी आएगा, दाल आएगा, चावल आएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, 80 वाला ही ले आओ। 80 वाला। सीट नंबर? सीट नंबर है मेरा 41। तो दोस्तों दिल्ली से 213 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फिरोजाबाद, जिसको ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांच का जो चूड़ियाँ होती हैं उसका बहुत सारा काम होता है। यहाँ पे हर दूसरा परिवार कांच की चूड़ियाँ बनाता है, कांच के थोड़े से क्राफ्ट वगैरह बनाता है, तो इसी की वजह से अपना फिरोजाबाद जाना जाता है। बाकी दोस्तों फिरोजाबाद का स्टेशन कोड था FZFZD, और यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट आई थी, एक पुलिस वाले ने डरा दिया। और जो इसने पूरा का पूरा टाइम था अपना लेट चल रही थी 30 मिनट के आसपास, वो इसने कवर कर लिया है। बाकी देखिए फिरोजाबाद से निकलती हुई अंदर पेंट्री वालों का गपला आपने देख ही लिया, 150 की थाली बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि 80 की दे देंगे, बीच में एक दो चीज़ें आएंगी। तो मैंने बोला ठीक है 80 की ले आना, बट सामान पूरा होना चाहिए, बीच में दही दुही चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर दही दुही नहीं होगा तो फिर मैं कंप्लेन करूँगा। आज तो भाई पता चलेगा इनको कि किससे बंगा लिया। बाकी खाना खाने तो 12 बजे के आसपास आएगा खाना। निकल गई अपनी ट्रेन फिरोजाबाद से। तो फ़ोन मैंने रखा था यहाँ पे साइड पे, और अंकल ने सोचा मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही बातें कर ही जा रहा था, अंकल की नज़र में क्या हुआ बाबा, बाबा जी क्या हुआ? S5 पे जाना था। हाँ, यस S5। यस हाँ, तो सीधा जाओ पीछे, हाँ पीछे चलाओ, हाँ हाँ, इसके दो तीन कोच छोड़ के जाओ, 3-4 कोच होंगे उसके बाद। दिल्ली से 289 किलोमीटर का, हाँ स्लीपर पीछे है, 289 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी नीलांचल एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इटावा में। और ये जो अपना इटावा है, ये हमारी ट्रेन का 4th हॉल्ट है, जिसका स्टेशन कोड है ETW। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट आई है। ट्रेन नहीं चल जाएगी ना, क्या छोले कुलचे? हेलो, ये
ये लिए भाई इटावा के छोले कुलचे, ये लिए हमने इटावा के कुलचे। तो ट्राई करते हैं भाई कैसे हमारे कुलचे और छोले। खाने वाला तो अभी तक आया ही नहीं है भाई, चिकी टेस्ट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है भाई, और खाने वाला भी आता है तो खाएंगे खाना दोपहर का। जाने तो चले जाइए ना, चाय मुझे कभी पैर ठीक है, समझ रहे हैं क्या भाई। देखिए इस बंदे ने सभी को खाना दिया लेकिन इधर खाना नहीं आ रहा है। खाना बोलना ये कि भाई हमारी 80 की प्लेट जिसमें हमें दिए गए हैं 1, 2, 3 पराठे और ये दिया एक अचार, एंड ये आ गया हमारी दाल और ये मिक्स वेज आ गया। इसमें जो मिसिंग चीज़ है एक है कर्ड और एक है सैनिटाइजर। जो जो चीज़ें मिस थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी टेस्ट करके बता देते हैं कि खाना हमारा कैसा है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं भाई दाल, दाल की क्वांटिटी देख लो, इसमें कर्ड नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, कर्ड दही, दही होता है ना अस्सी वाली थाली में, नहीं है भैया दही नहीं भाई, दही अवेलेबल होता है अस्सी वाली थाली, देखता हूँ होगा तब देखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, और साथ में सैनिटाइजर नहीं है, साथ में नैपकिन नहीं है, यानी सैनिटाइजर एक छोटा सा सैनिटाइजर होता है। चलो नैपकिन और कर्ड ले आओ, ठीक है। हाँ दाल सही है, टेस्टी है, और ये आ गया हमारा मिक्स वेज। मिक्स वेज भी एवरेज है। हाँ जी दही भी ले आओ, ठीक है, दही खराब भाई बोले ना। हाँ ठीक है, तो चावल देखते हैं कच्चे हैं कि कैसे हैं, बाकी पेंट्री वाले इरिटेट हो रहे हैं थोड़ा, कोई नहीं यार सामान तो पूरा देना चाहिए ना भैया। चावल भी ठीक ठाक है, तो देखते हैं भैया दही देते हैं कि नहीं देते हैं। भाई ये खा रहे हैं मिठाई, बंदे ने बोला कि दही नहीं है, बंदा मिठाई देखे गया यार। मैंने बोला चलो ठीक है यार, अब इतना बेचारा बोल रहा है तो। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:38 और ये खड़ी है हमारी नीलांचल एक्सप्रेस, और 428 किलोमीटर का डिस्टेंस भी इसने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पांचवें हॉल पे जो अपना लैदर ऑफ सिटी, जब मैं बात कर रहा हूँ कानपुर की, स्टेशन कोड है CNB और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन आई थिंक 20 मिनट के आसपास देरी से आई है। बाकी ये अपना कानपुर सेंट्रल, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर रुकती है हमारी ट्रेन। बाकी कानपुर में हो रही है हमारी ट्रेन की साफ सफाई, जो ट्रेन गंदी थी उसकी साफ सफाई चल रही है यहाँ पे, और पानी वगैरह भी भरा जाएगा यहाँ से, पानी भरा जाएगा भैया। एक अध्याय खत्म होता है, मतलब कि चार्टिंग कोटा फिर से बनेगा यहाँ पे, अब कानपुर से नया चार्ट प्रिपेयर्ड होगा यहाँ से भाई अपना कानपुर सेंट्रल, और मैं भी इस जर्नी को यहीं पे एंड कर दूंगा अभी। बाकी ये रही ट्रेन, अभी तक ये निकली नहीं है भाई, मुझे लगता है और ज़्यादा लेट हो जाएगी, ये 1:55 तो इसने यहीं पे कर दी है, अब तक इसको उन्नाव में होना चाहिए था। बाकी करते हैं इस जर्नी को यहीं पे एंड। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मेरा तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा, और प्राइस में भी कुछ मतलब हेर फेर नहीं हुई, क्योंकि वो समझ गए थे कि बंदा कोई कांडी है, तो इसलिए उन्होंने सही सही प्राइस लगा दिया मुझे। तो आप भी अपने हक के लिए बोले भाई, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।